सबका करो रिव्यू, जनता देगी जवाब, अभी दे दिया। 25-25 करता था ना वो मुख्यमंत्री, 25 सीटें आएगी, कितनी आएगी, 11 गई ना। अरे ऐसा पता होता ना, 2-3 सीटें और आ सकती थी हमारी, 25-25 की महानी बचता ना। एक बार प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में क्या कहा, 2025 में भी हमारी 25 सीटें आएगी। ऐसा मुख्यमंत्री है जो प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि दे, राजस्थान का दुर्भाग्य है। हम तो मोदी जी को कहेंगे कि राजस्थान को बचाने के लिए इस मुख्यमंत्री को जल्दी से जल्दी बदलो, नहीं तो राजस्थान डूब जाए। ओहो, चिरंजीवी भजनलाल जी को खुद को ही पता नहीं चिरंजीवी क्या है, इससे अज्ञान में मुख्यमंत्री राजस्थान का दुर्भाग्य है। ऐसा मुख्यमंत्री बनाओ, चिरंजीवी योजना राजस्थान में 2021 में हमने लागू की थी, 25 लाख तक का इलाज फ्री था। अगर चिरंजीवी नहीं होती तो सही कहा अशोक गहलोत जी ने, लोगों के मकान बिक जाते, जमीन बिक जाती, चोर बिक जाता, उसके बारे में जानकारी नहीं हो। दुर्भाग्य राजस्थान का कि मुख्यमंत्री को चिरंजीवी का ज्ञान नहीं। एक प्राइवेट डॉक्टर कह रहा है कि इसमें तो इलाज ही कम होता है, 25 लाख तक का। अगर चिरंजीवी बंद किया तो राजस्थान की जनता आंदोलन करेगी। कांग्रेस ERCP हमारी घोषणा है, हमने 23,000 करोड़ रुपए ERCP के लिए मंजूर किए हैं। हमने कह दिया भारत सरकार हमको पैसा नहीं देगी, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेगी, तभी राजस्थान की गहलोत सरकार, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ERCP को लागू करेगी। मौजूद हैं दौसा के लालकोट में और हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री प्रसाद लाल मीणा जी और नवनिर्वाचित सांसद मुरारी लाल जी। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, चिरंजीवी को लेकर काफ़ी माथापच्ची हो रही है, पूर्व CM और वर्तमान CM भजनलाल शर्मा आमने सामने है, क्या देखेंगे आप? HM रहे हैं कौन सर, किसको लेकर? चिरंजीवी को लेकर के। ओहो, चिरंजीवी भजनलाल जी को खुद को ही पता नहीं चिरंजीवी क्या है, इससे अज्ञान में मुख्यमंत्री राजस्थान का दुर्भाग्य है। ऐसा मुख्यमंत्री बनाओ, चिरंजीवी योजना राजस्थान में 2021 में हमने लागू की थी, 25 लाख तक का इलाज फ्री था। अगर चिरंजीवी नहीं होती तो सही कहा अशोक गहलोत जी ने, लोगों के मकान बिक जाते, जमीन बिक जाती, जेवर बिक जाता, उसके बारे में जानकारी नहीं हो। दुर्भाग्य राजस्थान का कि मुख्यमंत्री को चिरंजीवी का ज्ञान नहीं। एक प्राइवेट डॉक्टर कह रहा है कि इसमें तो इलाज ही कम होता है, 25 लाख तक का। अगर चिरंजीवी बंद किया तो राजस्थान की जनता आंदोलन करेगी। कांग्रेस गरीबों के साथ थी, गरीबों के लिए योजना थी, आज चिरंजीवी बंद कर दिया तो राजस्थान में लोगों का इलाज होना असंभव हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि चिरंजीवी का अगर इतनी प्रभावित थी तो अशोक गहलोत मुंबई क्यों गए थे अपना इलाज करवाने के लिए? वो 2020 में गए हैं, चिरंजीवी लागू हुई 21 में लागू हुई है, उनको ज्ञान ही नहीं मुख्यमंत्री को, ये तो सीधा गांव से आ गए, इसको क्या पता बेचारे को कि चिरंजीवी क्या है, कब लागू हुई है, कौन किसने लागू किया है। मैं कह रहा हूँ राइट टू हेल्थ बिल जो हमारी सरकार ने पास किया उसे लागू करना चाहिए, और राजस्थान के लोगों के हित में है, किसी का भी इलाज कराना उसका अधिकार ये अशोक गहलोत की सरकार ने दिया था, उसके नियम और रूल्स बना के राजस्थान में उसको जल्दी लागू करे, ये सबसे बड़ा जनता का हित। अगर ये नहीं किया, इससे बड़ा अहित इस सरकार ने राजस्थान के लोगों का करने वाली है। दुर्भाग्य ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जिसको ज्ञान ही नहीं चिरंजीवी क्या है, मुझे तरस आता है उस मुख्यमंत्री पर जिसको यही ज्ञान नहीं। राइट टू हेल्थ की बात की, लेकिन ERCP भी एक अहम मुद्दा था विधानसभा चुनाव में, क्या लगता है 6 महीने हो गए हैं अब सरकार को बने? देखो, ERCP मुद्दा था, ERCP हमारी घोषणा है, हमने 23,000 करोड़ रुपए ERCP के लिए मंजूर किए हैं। हमने कह दिया भारत सरकार हमको पैसा नहीं देगी, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेगी, तभी राजस्थान की गहलोत सरकार, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ERCP को लागू करेगी। नवनेरा बांध बना है, कोई भारत सरकार ने पैसा भी दिया है क्या? 90% काम पूरा हो गया, आज उसकी बात कर रहे हैं उससे पानी लाएंगे। अरे राष्ट्रीय परियोजना का आपने झूठा बवंडर किया, आपने मध्य प्रदेश के CM को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नतीजा क्या निकला? क्या राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो गई? झूठे बवंडर करके जिस तरह का ये ERCP को करना चाहते हैं, ERCP राजस्थान का एक अहम मुद्दा है, इसको लागू करना चाहिए, इनकी घोषणा के मुताबिक उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए। हमारा तो कमिटमेंट था भारत सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेगी तभी हम ERCP को लागू करेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से अशोक गहलोत तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जिले भी बनाए थे उसको लेकर भी कमेटियां बन रही है कि इनको एक मीटिंग हो रही है कि कितने कम करने हैं, वो सब चीज़ों का रिव्यू करो ना, कौन मना करता है? सबका करो रिव्यू, जनता देगी जवाब, अभी दे दिया। 25-25 करता था ना वो मुख्यमंत्री, 25 सीटें आएगी, कितनी आएगी, 11 गई ना। अरे ऐसा पता होता ना, 2-3 सीटें और आ सकती थी हमारी, 25-25 की महानी बचता ना। एक बार प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में क्या कहा, 2025 में भी हमारी 25 सीटें आएगी। ऐसा मुख्यमंत्री है
जो प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि दे, राजस्थान का दुर्भाग्य है। हम तो मोदी जी को कहेंगे कि राजस्थान को बचाने के लिए इस मुख्यमंत्री को जल्दी से जल्दी बदलो, नहीं तो राजस्थान डूब जाएगा। आपने कहा कि और सीटें आ सकती, कहाँ कमी रह गई थी कि 2-3 सीटें और कम रह गई आपकी? जहाँ रह गई वो कमी थी, ये समीक्षा हमारे अध्यक्ष जी कर रहे हैं कैसे कमी रही, ये प्रदेश कांग्रेस का काम है। उन्होंने खुद ने कहा 2-3 सीटें हमारी और आती, ये जयपुर ग्रामीण आ ही रही थी हमारी, 2-3 सीटें और आ जाती, पर वो 25-25 की वो कहानी तो बंद हो गई ना। जो मुख्यमंत्री रोज यही 25, 2024 को भी 2025 बोल रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री दुर्भाग्य है जो प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि दे दे, इससे बड़ा राजस्थान का क्या दुर्भाग्य हो सकता है। एक सवाल और, राजस्थान की बात करें तो इंडिया गठबंधन के हनुमान बेनीवाल थे, वो अब ऐसा लग रहा है कि एनडीए की तरफ जा रहे हैं वापस? कहीं नहीं जाएगा, हनुमान हमारे साथ है, इंडिया अलायंस में है, रहेगा, उसके स्वतंत्र विचार है, एक आज़ाद विचारों का व्यक्ति है, वो कुछ भी कह दे पर अंतर पंत वो इंडिया गठबंधन में। ऐसा भी है कि भजनलाल शर्मा से मिलकर आए, सीएम से भी मिलकर नहीं, सीएम से कौन नहीं मिलेगा, मुरारीलाल जी नहीं मिलेंगे काम होगा तो, ईआरसीबी का काम होगा नहीं मिलेंगे क्या, पानी का काम होगा तो नहीं मिलेंगे, कौन नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री से मिलना पड़ेगा, सबसे मिलना पड़ता है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो सांसद मुरारीलाल जी सर लगातार जीतने के बाद पब्लिक के बाहर जा रहे हैं, सारे विधानसभा कवर कर रहे हैं, किस तरीके का मैसेज लेके जा रहे हैं बाबू? देखो जिन बातों को लेकर हम जनता के बीच में गए थे तो सबसे पहला काम होता था कि जनता का आभार व्यक्त करें, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने पूरे महीने 1.5 महीने तक दिन रात मेहनत करी, उनको धन्यवाद, उनको आभार, और साथ साथ में जो जनता की समस्या है उनसे भी अवगत हो रहे हैं। जनता में भी ज़बरदस्त बीजेपी के प्रति आक्रोश है और उसी का रिजल्ट है कि इस बार बहुत ज़बरदस्त वोटों से हमारे लोकसभा क्षेत्र में जीते। आपने पूरे चुनाव में संविधान, आरक्षण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लकी कहा था, तो उसका बेनिफिट मिला आपको? जिस तरह की 400 सीट का नारा दे करके वो गए थे जनता के बीच में, तो इसे पूरी जनता भी समझ गई थी कि उनके मन में कोई ना कोई पाप है, कोई ना कोई ऐसा करने जा रहे हैं जिसका जनता को नुकसान होगा। उन बातों को लेकर हम जनता के बीच में गए थे, साथ साथ में जो 4-5 महीने के अंदर जो हमारी सरकार की योजनाएं थी, जिन कामों को बड़े तरीके से समीक्षा के नाम से बीजेपी ने बंद किया, हमारे विकास को रोका, हमारी योजना को बंद किया, इन सब बातों को लेकर जनता के बीच में गए थे और जनता स्वयं ने भी महसूस किया। अगर उन्होंने 4 महीने में राजस्थान को एक तरह से बर्बाद करके रख दिया और मोदी जी की नीति भी ठीक नहीं, सबसे बड़ी बात जो मोदी जी ने 10 साल के अंदर करी है, रोजगारों का सृजन नहीं किया, इतने ज्यादा पद खाली सरकारी नौकरियों में पड़े थे, इस वजह से यूथ भी परेशान था, किसान भी परेशान था, गांव के लोग भी परेशान थे, और यही कारण था कि इतना ज़बरदस्त बहुमत हमको मिला। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने गलत संसाधनों का प्रयोग नहीं किया होता, जैसे ईडी के छापे मरवाए, हमारे खाते सीज कर दिए, इन्होंने पूरा मीडिया को एक तरह से कंट्रोल कर लिया, ये सारे काम नहीं करते तो हमारा स्पष्ट बहुमत मिलता इस बार। ठीक सर, जीतने के बाद आप राम की बातें कर रहे हैं कि राम ने उनको फल दे दिया है, आरएसएस की आप बात कर रहे हैं कि आरएसएस उनके साथ नहीं था, क्या लगता है कि अब की बार ये मुद्दे भी अब आगे तक जाएंगे ऐसा? ये मुद्दे तो मैं इसलिए, जिस भगवान राम को हम भी मानते हैं, हम भी सनातनी लोग हैं, हम भी हिंदू धर्म के लोग हैं, इन्होंने वोटों में भगवान राम का नाम का यूज किया, तो मैं समझता हूँ कि भगवान राम के बारे में कहें, भगवान राम को लिया है, भगवान राम को कौन ला सकता है, भगवान राम तो सारी सृष्टि को लेके आए, तो इसलिए भगवान राम ने इनको अयोध्या से भरा दिया, वहाँ की जनता का भी दिमाग भगवान राम ने बदल दिया, ये कहता हूँ मैं। भाषण सुन रहा था, आप आरएसएस के लिए भी कह रहे थे कि आरएसएस उनके साथ नहीं है, क्यों नहीं है ऐसा? जिस तरह से इन्होंने हिटलरशाही मचाई है, जिस तरह से इन्हें प्रजातंत्र का गला घोटा है, जिस तरह से इन्होंने प्रतिपक्ष को सम्मान नहीं दिया, इस मामले में आरएसएस वाले भी बोले, अब बिना प्रतिपक्ष को अच्छी सत्ता दे नहीं सकता, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मुद्दा आरएसएस ने ठीक बोला। अब 2 साल में उपचुनाव तक जा रहा है, 2 साल विधानसभा, किस तरीके की तैयारी रहने वाली है, क्योंकि अब 2-3 बचे हैं? ऐसा जनता अब इनके शासन से परेशान है, 2 साल में उपचुनाव होगा, क्या 5 सीटों पर उपचुनाव होगा, और 5 सीटों पर भी हमारे इंडिया गठबंधन के सांसद जीते हैं, हम 5 सीटें वापस राजस्थान में जीतेंगे। मैं सर से भी ये सवाल पूछा था, हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में आए, जीते, अब दोबारा बार बार मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा वो उनकी स्वतंत्र पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में ही काम कर रहे हैं। सर एक सवाल पूछूंगा आपसे, जिस तरीके से मैंने अपनी आरएसएस के लिए सवाल पूछा था, क्या लगता है कि ये बार जिस तरीके मोहन भागवत ने भी किया कि विपक्ष को अलग तरीके से जाना चाहिए, विपक्ष को बात सुननी चाहिए उनकी? मोहन भागवत जी ने वही कहा जो जेपी नड्डा जी ने बयान दिया था, क्या हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, इसी का जवाब मोहन भागवत जी ने दिया।
तो दोस्तों खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी YouTube और Instagram पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान SK क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा Instagram और YouTube का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और Instagram पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी, सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है, हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो, हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कॉन्टेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, BEd, BA, BEd, BSc, BEd, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का, तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।